था, मैं कहाँ हूँ, एक्चुअली मैं हूँ कामाख्या गेट के सामने। तो कल से कामाख्या का अम्बुबाची स्टार्ट हुआ है और 26 तारीख देख रविवार को सुबह छोड़ेंगे। एक्चुअली हमें कामाख्या जो मेला होता है एक असम का गुवाहाटी का नीलाचल पर्वत में है। गाइस, कोविड का 2 साल बाद इस बार फिर अम्बुबाची का मेला स्टार्ट हुआ है। कहा जाता है कि ये के दिन माता रानी जागृत रहती है। इस टाइम पे जो भी जो मन्नत करती है माता रानी उसके मनोकामना पूरा करती है। हजारों अघोरी तांत्रिक ये अम्बुबाची के मेला पे आती है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक जागृत शक्तिपीठ है। आज देखिए यहाँ पे बहुत शॉप वगैरह बैठते हैं, हर चीज यहाँ मिल जाती है। सुंदर है ना गाइस। नया साल में नया चीज लेके जाइए, आइए देख दो। कितना सुंदर झूलता है देखिए गाइस। अच्छा है ना, गाइस देखिए कैसा हुआ, दो लिया, अच्छा लग रहा है ना। अम्बुबाची का शब्द का अर्थ अम्ब मीन्स पानी और बाची मीन्स उत्फुलन, ये दोनों शब्दों को मिलाकर हुआ अम्बुबाची। 26 जून को मंदिर का पट देवी स्नान और पूजा अर्चना होने के बाद खुला जाएगा। इसमें शामिल होने के लिए देश भर से साधु संत पर्यटक श्रद्धालु और तांत्रिक को टोली कामाख्या मंदिर में आ पहुंचे। तो गाइस आप लोग भी आइए और विश्व शांति के लिए प्रार्थना कीजिए और माता रानी का आशीर्वाद लेके जाइए। Thank you.
जगह पे होटल का व्यवस्था भी है, जो भी चाहे होटल में भी खाना खा सकते हैं। तो गाइस देखिए, ये सबको फ्री में चाय मिल रहा है, सब आया और चाय पी रहे हैं। शाम को वक्त है चाय पीने का, सबका मन करता है इसलिए चाय दे रहा है इधर। इधर गाइस जूस का व्यवस्था है, इधर सब लोग को जूस दिया जा रहा है। गोबरसिंह मेले के दिन मंदिर का दरवाजा बंद रहता है। माँ कामाख्या देवी को कामेश्वरी अथवा इच्छा का देवी भी कहा जाता है। तो गाइस देखिए कितना सुंदर लग रहा है, आप लोग भी आइए, आके माता रानी को दर्शन करके जाइए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को।
गर्मी है पर भी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइज आप लोग भी आइएगा और आके थोड़ा माता रानी का आशीर्वाद लेके जाइएगा। तो गाइज देखिए कितना क्राउड है, देखिए कितना क्राउड है। कोविड के बाद इस बार पहले साल हो रहा है बल्कि इतना क्राउड है देखिए। तो गाइज हम लोग अभी घर पहुंच के, बहुत भीड़ था, गर्मी भी था। अभी हम लोग फ्रेश होंगे, चाय पिएंगे।